इस वीडियो में दिखाए गए नाम, वर्ण, व्यवसाय स्थान और घटनाएं सभी काल्पनिक है। इसका किसी मृत्यु व्यक्ति या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर इसका किसी वास्तविक घटना या चरित्र से कोई संबंध पाया जाता है तो यह मात्र एक संयोग होगा। इस वीडियो में कुछ डरावने तत्व दिखाए गए हैं और उसे परिपक्व को दर्शकों के लिए उपयुक्त है। वीरेन पहली बार अपने माँ बाप के साथ अपने गाँव अपनी दादी से मिलने जा रहा था। 9 साल के वीरेन ने हमेशा से अपने मम्मी पापा को गाँव जाने की बात पर लड़ते देखा था। इस बार भी उसकी मम्मी उनके गाँव जाने से बिल्कुल खुश नहीं थी, मगर वीरेन की जिद थी कि उसे अपनी दादी से मिलना था और अपना गांव देखना था, और इसीलिए उसकी माँ जैसे तैसे इस बार मान गई। गांव में घुसते ही वीरेन को कुछ लड़कियां खेतों में खेलती हुई दिखीं, जो कि वीरेन को देखकर एकदम से शांत हो गईं और उसे गुस्से से घूमने लगीं। वीरेन को भी बहुत अजीब लगा। कुछ ही देर में वो लोग अपने घर पहुंचे। उनके घर में आते ही वीरेन की दादी ने उसे सीने से लगा लिया। वीरेन की दादी उससे बहुत प्यार करती थी। वीरेन भी गांव में आकर बहुत खुश था, लेकिन उस रात से सब कुछ बदलने वाला था। उस रात जब सब सो रहे थे तो वीरेन को अपने कमरे की खिड़की पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। एक उसकी ही उम्र की छोटी सी लड़की उस खिड़की को नॉक कर रही थी। वो उस खिड़की के पास गया और उस छोटी लड़की से बात करने लगा। उस बच्ची ने वीरेन से पूछा कि क्या वो उसके साथ लुक्का छुपी खेलेगा। ये सुनकर 9 साल का वीरेन एक्साइटेड हो गया और तुरंत ही मान गया। जैसे ही उस छोटी लड़की के साथ खेलने के लिए वीरेन बाहर गया, वीरेन को देखकर वो बच्ची वहां से भागकर कहीं जाकर छुप गई। वीरेन भी उसे ढूंढने निकल पड़ा। रात के अंधेरे में वीरेन उसे ढूंढते ढूंढते खेतों के बहुत अंदर तक चला गया था। उसे अब ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसके साथ साथ कोई चल रहा हो। चलते चलते वीरेन एक पुराने कुएं पर आ गया। फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसका दिल दहल उठा। वो लड़की जिसके साथ वीरेन खेल रहा था वो कुएं के अंदर से निकली और वीरेन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा और शरीर बिल्कुल बदलने लगा। उसके शरीर की स्किन पूरी तरह सड़ने लगी और आंखें सफेद हो गईं। वो वीरेन को देखकर गुस्से में चिल्लाने लगी। वीरेन ये देखकर बहुत ज्यादा डर गया। वो भागने के लिए जैसे ही पलटा उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया। उस कुएं और वीरेन के आसपास ढेर सारी छोटी छोटी लड़कियों की आत्माएं खड़ी थीं। वो वही लड़कियां थीं जिन्हें गांव में आते हुए वीरेन ने खेलते देखा था। उन सब के शरीर की स्किन सड़ी पड़ी थी। वो सब लड़कियां एक एक करके उस कुएं में कूदने लगीं। कुछ ही मिनटों में वीरेन की आंखों के सामने ही ढेर सारी छोटी लड़कियों की आत्माएं उस कुएं में कूद गए। मगर वो लड़की जिसके साथ वीरेन खेल रहा था वो अभी भी वहीं खड़ी थी। वीरेन वहीं खड़ा डर के मारे उसे देखता रहा और अचानक से वो लड़की तेजी से वीरेन के पास आई और उसके आर पार हो गई। ऐसा होते ही वीरेन मानो उसके वश में आ गया था। उसके बाद वो लड़की वहां से गायब हो गई और वीरेन शांत होकर अपने घर की तरफ चल दिया। घर जाते ही वीरेन सीधा अपनी दादी के कमरे में गया और उन्हें नींद से उठाकर उनसे अपने साथ चलने की जिद करने लगा। दादी को इतनी रात में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी वो अपने पोते की बात सुनकर उसके साथ चल दी। वीरेन अपनी दादी का हाथ पकड़े उन्हें घर से बाहर ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ वीरेन की माँ की नींद खुली और वीरेन को बेड पर ना देखकर वो परेशान हो गईं। उन्होंने जैसे ही खिड़की के बाहर देखा तो वीरेन और उसकी दादी खेतों की तरफ जा रहे थे। वीरेन की माँ ये देखकर बहुत ज्यादा डर गईं और वीरेन के पापा को नींद से उठाकर उनके पीछे पीछे चल दी। वो दोनों वीरेन का पीछा करते हुए उसी कुएं पर पहुंच गए थे जहां उन्होंने देखा कि वीरेन की शक्ल अब बिल्कुल बदल चुकी थी। वो बहुत ही भयानक लग रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। उसने अपनी दादी का गला पकड़ा हुआ था
और इससे पहले कि वीरेन के मम्मी पापा उसे रोक पाते, उसने अपनी दादी को कुएं में फेंक दिया था। वीरेन का ऐसा रूप देखकर उसके मम्मी पापा हैरान थे। दादी को कुएं में फेंकते ही वीरेन बेहोश हो गया। उसके मम्मी पापा ने उसकी दादी को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर उसकी दादी कुएं के पानी में कहीं खो सी गई थी। अगले दिन वीरेन की मां ने एक पंडित को बुलाकर वीरेन का झाड़ा कराया। वीरेन जैसे ही होश में आया, वो अपनी मां को देखकर बुरी तरह रोने लगा। उसे कुछ ऐसा पता था जो वो उन्हें बताना चाहता था। वीरेन ने अपनी मां को बताया कि पिछली रात एक लड़की ने उसे खेलने बुलाया था। वो लड़की और कोई नहीं, वीरेन की बहन थी, जिसे पैदा होते ही उसकी दादी ने गला घोटकर उसे कुएं में फेंक दिया था। ऐसा करने के बाद दादी ने सबको बताया था कि कोई गांव वाला उनका बच्चा चोरी करके ले गया था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि उस गांव में शुरू से ही यही चलता आया है, अगर किसी के घर में पहली संतान लड़की होती थी तो उसे मारकर गांव के उसी कुएं में फेंक दिया जाता था। उसकी दादी भी लड़का चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस छोटी सी लड़की को मार डाला। ये सब कुछ वीरेन की बहन ने उसे तब बताया जब उसने वीरेन को अपने वश में कर लिया था। उस दिन के बाद वीरेन के पेरेंट्स ने किसी को कुछ नहीं बताया और चुपचाप वीरेन को लेकर उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चले गए।